नमस्कार दोस्तों, मैं रुचि सोनी और आप देख रहे हैं सीरीज एक्सपेरिमेंट। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो भाई ये जो वीडियो काफ़ी दिनों बाद आ रही है क्योंकि मैं आपको इसका रीज़न बता चुका था, मेरे एग्जाम्स थे, हालांकि वो हुए नहीं, वो पोस्टपोन्ड हो चुके हैं। तो मतलब वीडियो जो है रेगुलर आएगी यूजुअल अपने टाइम पे, ठीक है, मतलब आपको हफ्ते में पाँचवें दिन पे, ठीक है, या फिर हफ्ते में एक वीडियो जो है आपको मिल जाएगी। कोशिश करूँगा हफ्ते में आपको एक वीडियो मिले भाई, क्योंकि अभी भी थोड़ा सा प्रेशर ज़्यादा है एग्जामिनेशन का, हो भी सकता नहीं भी हो सकता, ठीक है। तो गाइस चलिए मैं बताता हूँ आज की वीडियो में होने क्या वाला है। तो वैसे आज की इस वीडियो में मैं क्या करूँगा, मैं अलग अलग सिक्के जो कि बहुत पुराने, जो कि कुछ नए, जो कि इस समय चल रहे हैं, ठीक है, अलग अलग जो सिक्के हैं, ठीक है, यानी जो पैसे वाले सिक्के हैं, ठीक है, उनको मैं क्या करूँगा, मैं एक कोरोसिव सॉल्यूशन बनाऊँगा जिनके अंदर मैं उन्हें डाल दूँगा। और गाइस वो जो सॉल्यूशन होता है, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा कोरोसिव, बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, ठीक है, और वो सोडियम हाइड्रोक्साइड और सल्फर के मिक्सचर से बनता है गाइस। तो चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि आपको वो सॉल्यूशन कैसे बनाना है, और आप जब उस सॉल्यूशन में, ठीक है, सिक्कों को डालोगे तो क्या होगा गाइस। तो चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। और हाँ भाई, ये एक तरह की कह लो कि अनाउंसमेंट वीडियो है कि हाँ मैं वापस आ रहा हूँ, मतलब आपको हफ्ते में एक वीडियो मिलेगी, इस वजह से ये वीडियो बन रही है, ठीक है। हालांकि इस वीडियो को कोई मोटिव है नहीं अच्छा सा, ठीक है। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों कोरोसिव सॉल्यूशन बनाने के लिए आपको चाहिए होगा सबसे पहले पानी। कितना पानी चाहिए होगा, 100 मिलीलीटर्स, करीब 100 मिलीलीटर के पास आपके पास पानी होना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने एक फ्लास्क में 100 मिलीलीटर पानी रख लिया है, ठीक है। अब दूसरा जो कंपोनेंट आपको चाहिए मतलब कोरोसिव सॉल्यूशन बनाने के लिए दोस्तों, वो क्या है, वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है दोस्तों ना, ठीक है, ये आपको काफ़ी आसानी से ई कॉमर्स साइट पर मिल जाएगा, इसे कॉस्टिक सोडा भी कहते हैं, आप देख सकते होगे, ठीक है। ये वाइट कलर का होता है, मैं इसमें थोड़ा सा डाल दूंगा। अगर आप एक्यूरेट जाना चाहते हो, ठीक है, तो आपको 4:1 का रेशियो रखना है, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड आपको 4:1 में मिलाना है और सल्फर पाउडर आपको मिलाना है, ठीक है, 1:1 में। तो यहाँ पे मेरे पास इतना बड़ा टुकड़ा है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, मैं इसको इसके अंदर डाल देता हूँ, ठीक है। और जब सोडियम हाइड्रोक्साइड डिजॉल्व होता है ना दोस्तों, ठीक है, पानी में, तो वो एक्सोथर्मिक होता है। एक्सोथर्मिक कहने का मतलब ये होता है कि हीट निकलेगी जब वो डिजॉल्व होगा पानी के अंदर घुलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस कि मैंने इसके अंदर थोड़ा सा सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया, मैं इसे अच्छे से मिला लूँगा। और काश अगर ऐसा कोई टेक्नोलॉजी होती जिससे आप महसूस कर पाते तो मैं आपको जरूर महसूस करवा देता कि ये थोड़ा सा बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है, ठीक है, इसका बॉटम जो है गर्म हो चुका है। अब ये है आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन। अगर आप इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे तो एकदम क्लियर साफ पानी की तरह रह जाएगा। लेकिन होगा क्या, जब इस सोडियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन में अगर आप सल्फर पाउडर, यहाँ पे आप देखो ना मेरे पास, ठीक है, देखो मेरे पास क्या है, सल्फर पाउडर, ठीक है, सल्फर पाउडर को मिलाओगे, ठीक है, तो होगा क्या दोस्तों, एक केमिकल रिएक्शन होगी जिससे आपका सोडियम पॉलीसल्फाइड नाम का एक केमिकल कंपाउंड बन जाएगा। अगर आप CBSE बोर्ड से पढ़े हुए हैं तो आपको पता होगा, या फिर आपने JEE या फिर नीट जैसे एग्ज़ाम की तैयारी की है तो आपको पता होगा सोडियम पॉलीसल्फाइड से एक पॉलीमर भी बनता है। तो गाइस यहाँ पे मेरे पास सल्फर पाउडर है, आप देख सकते होगे गाइस सल्फर पाउडर है। अब इस सल्फर पाउडर को, ठीक है, मैं इस फ्लास्क के अंदर डाल दूंगा, ठीक है। और भाई ये जो सोल्यूशन आप बना रहे हो ना, इसका इस्तेमाल असली लैब में, इनका इस्तेमाल ये होता है कि इनका इस्तेमाल किया जाता है जो ग्लासवेयर्स होते हैं, जो फ्लास्क हो गए, ठीक है, इनको साफ़ करने के लिए किया जाता है, ठीक है। अगर मान लीजिए आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड और सल्फर मिलाया, ठीक है, फिर आपको ऐसे पता चला कि आपका सोल्यूशन बनकर तैयार हो गया, वो ऐसे पता चलेगा दोस्तों, ठीक है, आपको इस सोडियम हाइड्रोक्साइड और सल्फर को, ठीक है, ऐड करते रहना, सोडियम हाइड्रोक्साइड कभी ऐड करना, कभी सल्फर ऐड करना, तब तक जब तक आपका सोल्यूशन जो है डार्क रेड कलर का ना हो जाए, ठीक है, या फिर ऑरेंज कलर का। तो यहाँ पे देखो सोल्यूशन भी हुआ नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे मुझे लगता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की कमी है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड डालूंगा मैं थोड़ा सा इसके अंदर। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे डाल दिया, यहाँ पे थोड़ा सा लगा हुआ, ठीक है। मैं सिंपली करूँगा क्या, मैंने ग्लव्स मेरे ख़त्म हो चुके हैं, ठीक है, तो मैं सिंपली इसको ऐसे इसके अंदर लगा दूंगा। और यहाँ पे आप देख पा रहे हो दोस्तों कि कलर चेंज हो रहा है, ठीक है, एकदम डार्क येलो कलर का हो गया है, ठीक है। आपको बस यही चाहिए था गाइस, आपको बस इसको जोर जोर से हिलाते रहना है, ठीक है। और इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड और सल्फर कंसनट्रेशन आप वेरी कर सकते हो, ठीक है, मतलब मिलाओ और तब तक मिलाओ, ठीक है, जब तक ये एकदम थोड़ा सा हल्का सा ऑरेंज कलर का ना हो जाए। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो कि कुछ समय बाद, ठीक है, हमारा सोल्यूशन जो है किस तरह से हो चुका है, यहाँ पे ऑरेंज कलर का सोल्यूशन हो चुका है भाई, ठीक है। तो मैं यही कह रहा था गाइस, ठीक है, अच्छे से जब मिला दोगे ना तो ऑरेंज कलर का हो जाएगा, थोड़ा सा रेड कलर का हो जाएगा। तो देखिए सिंपली दोस्तों हमारा सोल्यूशन तैयार है एकदम, ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ बारीकी से काफ़ी पास से। तो भाई ये हमारा सोल्यूशन तैयार है। तो चलिए दोस्तों हम इससे काफ़ी पुराने पुराने सिक्कों को, करीब 10 से 20 साल या फिर पता नहीं कितने साल हो गए भाई, मुझे करेक्टली नहीं पता, मैं आपको जो भी बताऊंगा सच बताऊंगा, सच किसी बार कुछ नहीं बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों इसको बताते हैं। तो गाइस यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको मेरे पास कितने सारे सिक्के हैं, ठीक है, इसमें से सिक्के कुछ जो अलग अलग सिक्के हैं, ठीक है, कुछ अलग मटेरियल के बने हैं, कुछ अलग मटेरियल के बने हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले सिक्का आपको दिखाता हूँ, ठीक है, ये देखो, ठीक है, ये लिखा, इसके ऊपर क्या लिखा, जॉर्ज किंग एम्परर, ठीक है, कब का बना हुआ है, 1 रुपी इंडिया 1930, वाह 1930, ठीक है।
तो भाई ये वर्ल्ड वार से पहले की है, ठीक है, आई थिंक वर्ल्ड वार फर्स्ट से पहले की है, ठीक है, शायद 14 में तो स्टार्ट हुआ था, 14 15 में शायद, अब मुझे नहीं पता उतना। तो भाई ये देखो, ये रही आपके पास एक चांदी की सिक्का, ठीक है, चांदी का ही है। अच्छा चांदी का है कि नहीं है मैं अभी आपको चेक करके बता दूंगा, कैसे, इस सॉल्यूशन की मदद से, ठीक है। तो वैसे ये है हमारे पास एक सिक्का जो कि मैं क्लेम कर रहा हूँ चांदी का है। ये पता नहीं कैसा सिक्का, स्क्वायर कलर का, स्क्वायर शेप का, ठीक है, बहुत ही हल्का है, शायद एल्यूमिनियम हो सकता है। अच्छा लोग कहते हैं एल्यूमिनियम या फिर एल्यूमिनियम, ठीक है, इन दो चीज़ों पर ना बहुत बड़ा विवाद है, आप एल्यूमिनियम भी कह सकते हो और एल्यूमिनियम भी कह सकते हो। वेस्ट में, ठीक है, यानी विदेशों में, अमेरिका अमेरिका सब लोग इसको एल्यूमिनियम बोलते हैं और इंडिया में सब लोग एल्यूमिनियम बोलते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी ऑक्टागोनल शेप का, दो पैसे, ठीक है, रुपए का 50वां भाग, दो पैसे, वाह। और यहाँ पे देख सकते हो आप इसे तो जानते ही होगे, ठीक है, 50 पैसे। और ये भैया ये तो अभी भी चलता है, 2 रुपया। और ये कुछ लिखा है, पता नहीं, पढ़ ही नहीं पा रहा, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये कुछ हो गया, 1 रुपया जानते ही हो अभी भी चलता है, 10 रुपया नहीं लिया हूँ। ये बड़ा अच्छा सिक्का है, ठीक है, और मैं गारंटीड कह सकता हूँ कि ये कॉपर है। कि क्यों कॉपर है, क्योंकि इसके ऊपर जो कोटिंग हुई है, ठीक है, हरे मटेरियल की, ये कॉपर कार्बोनेट की होती है, ठीक है, और काला हो गया तो ये कॉपर ऑक्साइड भी होता है। तो यहाँ पे मैं इसको किनारे रख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे होगे भाई, तो यहाँ पे कुछ अलग है हमारे पास, यहाँ पे भी एक स्क्वायर कलर का है लेकिन ये काफ़ी वजन है एज़ कम्पेयर टू इसके। और यहाँ पे भी कुछ अलग है, यहाँ पे भी एम्परर छपे हुए हैं जैसा कि इसमें छपे हुए थे इसके पीछे। और ये 10 पैसे हैं साहब, 10 पैसे हैं, 10 पैसे, हाँ 10 पैसे हैं, ठीक है गाइस। और ये 5 रुपये हैं, ठीक है। तो गाइस इतने सारे सिक्कों को हम टेस्ट करने वाले हैं, ठीक है, मोस्ट प्रोबली जो मुझे अच्छा लगता है ना, मुझे ये अच्छा लगता है, इसके ऊपर मैं चेक करके दिखाऊंगा आपको। तो चलिए गाइस इन सबको मैं एक किनारे का रखता हूँ, ठीक है, एक तरफ रखता हूँ। और यहाँ पे हमारे पास सोल्यूशन है, ठीक है, इसका, इसको मैं फ़िल्टर कर लेता हूँ। आप फिल्टर नहीं करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, मैं फ़िल्टर कर लेता हूँ, ठीक है गाइस। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा सोल्यूशन जो है फ़िल्टर हो रहा है, ठीक है, करीब जितना हमको एक्सपेरिमेंट के लिए चाहिए उतना तो फ़िल्टर हो ही चुका है। हालांकि हमारे पास अभी भी इतना सारा सोल्यूशन बचा हुआ है, ठीक है, इसलिए मैं इसको फ़िल्टर नहीं करूँगा, इतना ही रहने देता हूँ, इसको पूरा फ़िल्टर हो जाना, तो इतने ही सोल्यूशन से आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूँ। आप देख रहे हो गाइस कितना, मतलब पीले कलर का हो गया, पीले थोड़ा सा ऑरेंज कलर का हो गया, देखो ध्यान से, वाओ गाइस कितना अच्छा लग रहा है, शुरुआत में कैसे था अब देखो कैसा हो गया। इस तरह का सोल्यूशन अगर आपका बनेगा ना तब काम करेगा भाई। तो गाइस ये रही हमारे पास एक प्लेट है भाई, ठीक है, शीशे की, क्वार्ट्ज की कह लो, शीशे की क्या, ठीक है, और इसके अंदर मैं अपना फ़िल्टर किया हुआ सोल्यूशन डालता हूँ, ठीक है। तो गाइस ये रहा हमारा फ़िल्टर किया हुआ सोल्यूशन, आप देख रहे हो कितना येलो कलर का दिख रहा है। तो ये मैंने डाल दी भाई, थोड़ा सा डाला मैंने, ज़्यादा नहीं डाला, ठीक है। अब मैं सिंपली इसके अंदर क्या करता हूँ, अपना ये वाला सिक्का डाल देता हूँ, ठीक है, देखो ये वाला सिक्का डाल देता हूँ इसके अंदर, ठीक है। अब ये चांदी का है, ठीक है। तो भाई चलिए इसके ऊपर मैं थोड़ा सा और डाल देता हूँ, अब देखो गाइस देख रहे हो इस सिक्का किस तरह हो गया, काला हो रहा भाई, वाह। मैं कॉपर की वायर की मदद से, ठीक है, इसको थोड़ा सा इधर करता हूँ, वाह गाइस, मैं इसे पलटता हूँ, देख रहे हो एकदम काला हो चुका है, ठीक है, मैं इसे थोड़ा सा पलटता हूँ, ठीक है, इसको उस साइड का देखता हूँ किस तरह हो गया। और बाहर निकालने पे देखो किस तरह दिख रहा है, एकदम काला भाई, ठीक है, ब्लैक कलर का। तो देख रहे हो ये इतना ज़्यादा कोरोजिव सोल्यूशन था ना, इसको और काला कर दिया, हम तो साफ़ करने वाले थे, ठीक है। और पीछे भी देखो ये किंग एम्परर भी काले हो गए, लेकिन हम इनको वाइट कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं दिखाता हूँ गाइस। हालांकि वाइट करने से पहले हम क्या करते हैं, ठीक है, इसमें अलग अलग तरह के जो हमारे पास कॉइन्स हैं उनको ट्राई करते हैं। तो गाइस आप देख सकते हो कि जैसे हमने इसके अंदर डाला, हमारा जो कॉइन था एकदम काला हो गया भाई, ठीक है। अब इसके अंदर हम दूसरा ये वाला सिक्का डाल के देते हैं, 5 रुपये वाला ये वाला सिक्का डालते हैं, ठीक है। ओ ये भी देखो कुछ हो रहा है, इसके किनारे किनारे आप शायद देख पाओ गाइस, ठीक है, इसके किनारे किनारे कुछ ना कुछ हो रहा है, ठीक है। अब मैं इसके अंदर ये वाला भी सिक्का डालता हूँ, ठीक है, वो सब के सब रिएक्शन हो रहा है भाई, सबका सबसे रिएक्शन हो रहा है, वाह। ये 1 रुपये का सिक्का डालता है इसके अंदर, और थोड़ा सा, और यहाँ पे मैं जितने भी सिक्के हैं सबको एक एक करके डाल देता हूँ। अब डाल दे रहा हूँ, अरे ये सिक्के को देखो भाई, ये वाला सिक्का जो है फ्लोट कर रहा है, ठीक है, ये वाला सिक्का जो है फ्लोट कर रहा है भाई, और भाई ये एल्यूमिनियम का ही है, आप देख पा रहे हो, ये रिएक्शन कर रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड से, वाह।
मैं इसे बाहर निकाल लेता हूँ, क्या पता कहीं और रिएक्शन हो जाए। ये एल्युमिनियम का ही है, इतना हल्का था ना, मैंने जब इसे छुआ तभी मैं पता चल गया था कि ये एल्युमिनियम का ही होगा। मैं इसे बाहर निकाल लेता हूँ। तो भाई इसके अंदर मैं अभी वाला पैसा डालने डाला हूँ, ठीक है, और ये वाला भी, और ये वाला भी, और ये वाला भी। तो भाई किस तरह से हो गए ये, वाह। मैं इस 5 रुपये वाले सिक्के को बाहर निकालता हूँ। अब मैं एक एक करके सिक्के को बाहर निकालता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ गाइस। मैं तो थोड़ा सा हटा देता हूँ। तो गाइस इस 5 रुपये वाले सिक्के को आप देख सकते होगे ये किस तरह से दिख रहा है, वाह किस तरह से हो गया भाई, कितना ज़्यादा कोरोसिव सोल्यूशन है, ठीक है, कितना ज़्यादा कोरोसिव आप अंदाज़ा लगा सकते हो। ये देखो ये 50 पैसे वाला सिक्का जो एकदम इंटैक्ट रह गया, ये वैसा ही था। ये 5 रुपये वाला किस तरह हो गया। अब मैं 2 रुपये वाला सिक्का निकालता हूँ। ये 2 रुपये वाला भी एकदम सही है भाई, इससे कुछ नहीं हुआ। अब मैं ये ऑक्टागोनल वाला निकालता हूँ। अब मुझे नाम नहीं पता सिक्के का क्या लिखा था इसके ऊपर, ये सब के सब ब्लैक हो चुके हैं। लेकिन तो गाइस ये देख सकते हो कि हमारा भैया ये वाला सिक्का एकदम काला हो चुका है। निकाल लेता हूँ, ये निकल गया, ये निकल गया, ये निकल गया, ये हमारा निकल गया। तो गाइस आप देख सकते हो कि हमने जो सिक्के इसके अंदर डाले थे उनका क्या हल हुआ भाई, सब के सब एकदम काले हो गए, ठीक है, ब्राउन मुंडे हो गए, सॉरी। तो गाइस ये होता है जब आप सिक्कों को सोडियम हाइड्रोक्साइड और सल्फर से बने हुए सोल्यूशन में डाल देते हो। हालांकि ये सोडियम हाइड्रोक्साइड और सल्फर का सोल्यूशन जो है ग्लासेस को, यानी जो लैब में ग्लासेस इस्तेमाल होते हैं जैसे फ्लास्क, डस्टबिन, सबको साफ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, जब उनके ऊपर कोई दाग लग जाता है। तो गाइस देखा आपने क्या हो गया। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी भाई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हाँ भाई ये एक ऐसी वीडियो थी जो कि अनाउंसमेंट की तरह ही थी कि हाँ भैया मैं वापस आ रहा हूँ, ठीक है, काफ़ी लेट वीडियो, करीब 9-10 दिन के बाद, और बहुत ही जल्द हो सकता है कल या फिर परसों, करीब आज तो शायद 20 तारीख है, आपको करीब 22 या फिर 23 तारीख के आसपास, ठीक है, एक नई वीडियो देखने को मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।